जनपद पंचायत ब्योहारी एवं जयसिंह नगर के 125 रोजगार सहायकों ने अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर ब्योहारी विधायक शरद कोल से उनके कार्यालय में मुलाकात की और अपनी मांगों के निराकरण के संबंध में ज्ञापन भी सौंपा। रोजगार सहायक महासंघ मध्य प्रदेश संगठन के 23,000 ग्राम रोजगार सहायक के आह्वान पर ग्राम रोजगार सहायक सचिव की मांगों पर आज तक विचार नहीं किया गया है, जबकि 2018 में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा रोजगार सहायकों की मांगों को मानने का वादा भी किया गया था, लेकिन 5 वर्ष पूरे हो गए हैं, आज तक मांगे पूरी नहीं की गई हैं और फिर से यह चुनावी वर्ष है। इसी तारतम्य में जनपद पंचायत ब्योहारी एवं जयसिंह नगर के 125 रोजगार सहायक अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर ब्योहारी विधायक शरद कोल से उनके कार्यालय में मुलाकात करने पहुंचे और अपनी सभी मांगों के निराकरण कराए जाने के संबंध में ज्ञापन भी सौंपा। बता दें कि ब्योहारी विधायक शरद कोल द्वारा ज्ञापन सौंपने आए जनपद पंचायत ब्योहारी एवं जयसिंह नगर के 125 रोजगार सहायकों को भरोसा दिलाया गया है कि हम आपकी निम्न मांगों को मुख्यमंत्री महोदय से मुलाकात कर सभी 5 सूत्रीय मांगों में अमल कराएंगे। हमारी 4-5 सूत्रीय मांगे हैं। सबसे पहला मांग है हमारा नियमितीकरण होना चाहिए और जिला संवर्ग में हमको नियमित पद पर रेगुलर कर दे सरकार। दूसरी चीज़, हमारा वेतन मान बहुत कम है तो सचिव पर 90% भी अगर हमको दें तो 30,000 हमारे वेतन बनती है, तो कम से कम हमारा वेतन भी 30,000 होना चाहिए। हमारी स्थानांतरण नीति बननी चाहिए और कंपनी की हमको मिलना चाहिए, और जो हमारे कई साथी गुजर चुके हैं आज उनके परिवार का भरण पोषण नहीं हो पा रहा है, तो कम से कम 10 लाख का बीमा योजना भी अगर हमारे साथ किसी की मृत्यु हो जाती है तो अनुग्रह राशि के रूप में हमको कम से कम 10 लाख मिलना चाहिए। और PF कटौती हमारी नहीं हो रही है, जबकि गवर्नमेंट का नियम है कि कहीं भी अगर प्राइवेट में भी काम करते हैं तो उसका PF कटता है। 13 वर्ष हो गए हम लोग काम करते हैं, हमारा आज तक 1 रुपये का PF नहीं कटा। कुछ जगह कुछ जिलों में हमारा कटा था लेकिन उसको भी बंद कर दिया गया है। तो हमारा माननीय शिवराज सिंह हमारे जो मामा जी हैं मुख्यमंत्री, उनसे निवेदन है कि वो हमारा PF जो कटौती है जो चालू थी वो बंद कर दी गई है, उसको पुनः चालू करें, जिससे हम सभी साथियों को भविष्य के लिए कुछ आधार बन सके। हमारा हम ब्योहारी और जयसिंहगढ़ 2 ब्लॉक के यहाँ इकट्ठे हुए थे, कम से कम 125 लोग आदमी हम अपने साथी आए थे यहाँ और विधायक जी को ज्ञापन दिए हैं। क्या आश्वासन मिला विधायक जी से? विधायक जी ने कहा हम आपकी बात को माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को पहुँचाएँगे और आपकी जो वास्तव में जो जायज मांग है इसको हम पूरा कराने की पूरी कोशिश करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नरसिंहपुर के हमारे साथी मामा मामी दर्शन यात्रा के माध्यम से समत्व भवन में माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात किए हैं। चूंकि हमारे ये साथी 300 किलोमीटर की बड़ी विस्तृत यात्रा करते हुए पदयात्रा करते हुए समत्व भवन में माननीय मुख्यमंत्री जी ने बुलाया और केवल ये कह के वहाँ से विदा कर दिए कि आपके बारे में अच्छा होगा, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से यह जानना चाहता हूं और समस्त 23,000 रोजगार सहायक साथियों की तरफ से यह जानना चाहता हूं कि 2013 में जो आपने सहायक सचिव संवर्ग में हम लोगों के लिए पत्र जारी कराया है, वह मूर्त रूप से कब ये मध्य प्रदेश की धरती में हम सहायक सचिव घोषित किए जाएंगे और कब हमारे माने जिला संवर्ग में हमारे नियमितीकरण की के संबंध में व्यवस्था होगी। क्योंकि गांव गरीब से जुड़े हुए लोग हैं हम भी इस प्रदेश के मतदाता हैं, हम भी आपकी समस्त योजनाओं को गांव गरीब तक पहुंचाते हैं, इसलिए हम भी आपसे यह मांग करते हैं और बड़ी विनम्रतापूर्वक मांग करते हैं, जैसा अभी तक हम सबका बड़ा शांतिपूर्ण तरीके से आपसे आग्रह चल रहा है कि और यह भी विश्वास है कि आप ही देंगे, इसलिए आपसे पूरी विनम्रता के साथ हम लोगों ने विधायक जी के माध्यम से आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और हमारे विधायक जी ने ये आश्वस्त किया है कि हम भोपाल पहुंचकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आप सबके संबंध में विस्तृत चर्चा करेंगे। और जिस तरह से हमारे अन्य जिलों में ज्ञापन का कार्यक्रम चल रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी का आश्वासन चल रहा है, उससे मुझे ये पूर्ण विश्वास है कि बहुत जल्दी से जल्दी हम लोगों के लिए महापंचायत की डेट तय होगी और हम सबके भविष्य के लिए निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी मांगों के अनुरूप हम लोगों के भविष्य के लिए एक सार्थक उपहार देने का। देखिए मूलतः जो है आप में जो रोजगार सहायक साथी हमारे इधर आए हैं हमारे पास,
इनकी मांगे निश्चित तौर पे इनकी आवश्यकता अनुरूप जो है, चूँकि शासन की पॉलिसी का एक अंग है, इनको इम्प्लीमेंट करने वाले ज़मीनी स्तर पर लोगों तक ले जाने वाले ये एजेंसी निश्चित तौर पे ज़मीन पे काम करती है। और ऐसे इनके प्रत्येक बिंदु जो पांच प्रकार के इनके हैं, एक तो नियमितीकरण वाला वो है ही, उसके अलावा PF जैसे विषय है, और चूँकि कई दुर्घटनावश कई इम्प्लीमेंट जो इनके विषय थे, एक तो हमारे रोजगार सहायक आकस्मिक किसी की दुर्घटना भगवान न करे ऐसा हो, तो उस स्थिति में भी जो है इनसे आश्रित परिवार अपने आप में थोड़ा स्टेबल कर सके, ऐसे भाव को लेकर इन्होंने अपनी मांगों को रखा था। इसमें स्थानांतरण नीति भी ये विचार हैं, निश्चित तौर पे अपेक्षाएं होती है, और वो नीति जब तक नहीं बनती है तब तक ये कर्मचारी मूल रूप से काम करने में मानसिक रूप से ये प्रिपेयर नहीं हो पा रहे हैं। क्योंकि अगर मैं मेरे को राइट्स होते अपनी विधानसभा में, सबसे पहले मैं कर लेता इसको, क्योंकि ये व्यवस्था सरकार की है। सरकार के पास अनेकों ऐसे कई विभागों के अधिकारी कर्मचारियों की नियुक्ति हुई है, सरकार इनके लिए चिंता कर रही है, और इनकी अलग अलग संघ के अलग अलग कैटेगरीज के जो उनके कर्मचारी रखे गए हैं, सबको एक व्यवस्था क्रमबद्ध तरीके से सरकार की चिंता इनमें है। और चूंकि ये मेरे पास आए हैं, मेरे क्षेत्र के निवासी भी हैं, और ये कर्मचारी की हैसियत से मेरे यहाँ काम भी करते हैं, तो इनकी प्रमुख जो मांगे हैं, निश्चित तौर पे हम अपने स्तर पर इनको ले जाकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय से इन पे विचार करने के लिए आग्रह करेंगे। और सरकार, मैं इनको विश्वास दिलाता हूँ कि सरकार ऐसा नहीं है कि किसी की चिंता नहीं करती, सरकार सर्वहारा समाज में अनेकों क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों के साथ एक समान भाव रखते हुए काम करेगी, ऐसा मैं उम्मीद भी करता हूँ। चूँकि ये चुनावी वेला है तो कई लोग इसको राजनीतिक स्टंट भी दे रहे हैं, तो सरकार हर एक स्तर पे, क्योंकि हम लोग सिर्फ चुनाव नहीं लड़ते, समाज के अंदर सेवा भाव का भी काम हम लोग करते हैं, और ऐसी भाव इन लोगों के साथ भी रहेगी, ये हम आपको, मैंने आपको स्पष्ट पहले ही कह दिया है कि सिर्फ चुनाव बस नहीं लड़ते, समाज के अंदर सेवा भाव का अगर हम संकल्प लेकर काम करते हैं तो उसमें किसी के साथ भेदभाव या कि ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है हमारे सिस्टम में। क्योंकि सरकार को व्यवस्था बनाने में, व्यवस्था करने में थोड़ा सा समय ज़रूर लगता है, लेकिन इनको जो है व्यवस्था करने में सरकार से हम आग्रह करेंगे कि भाई प्राथमिकता में इनको भी रखा जाए। ग्रामीण भारत टीवी के लिए शहडोल से विजय रजक की रिपोर्ट। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।